ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की। हाँ, उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया। खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही है। पहली कोरोना की लहर आई तो मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप करके देश की जान खतरे में डाली। दूसरी कोरोना लहर आई तो जन आशीर्वाद यात्रा और बंगाल में रैलियां कर किसी पर ध्यान नहीं दिया, वैज्ञानिक पर, लोगों की जान खतरे में डाली। अब फिर अपने राजनीतिक गोटियां फिट करने के चक्कर में आप शादी में तो 200 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते, पर मोदी जी की रैली में 2 लाख इकट्ठे कर सकते। प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनके लोग किस प्रकार की गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे, कांग्रेस अध्यक्षा जी के बारे में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के बारे में, कल परसों एक समाजवादी पार्टी की सम्मानित सांसद जया बच्चन जी के बारे में, आए दिन किसी न किसी भद्दी शब्दावली का शिकार होना पड़ता है विपक्ष के। ये 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में जवाब दिया, मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आप चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की कल की शेखी बघारने वाली घोषणा के बाद सच्चाई क्या है, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि ओमिक्रॉन वायरस के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कर देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भर पाएंगे। मोदी सरकार क्या कर रही है? दिशाहीन नेतृत्व, बिना नियंत्रण वाली सरकार, दृष्टि और सोच की भयंकर कमी, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट, स्टंटबाजी और इवेंटबाजी, यहां तक मोदी सरकार सीमित हो गई है। मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इंडिया। याद करिए, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मोदी सरकार ने हमारे प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार से पलायन और कई बार मौत की घाट, मौत का फंदा चूमने पर मजबूर किया। मोदी सरकार ने देश के गरीब को, जिसकी जेब में पैसा डालने से इनकार कर दिया राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के कहने के बाद, किस दुराहे पर ला खड़ा किया। मोदी सरकार ने लघु और छोटे उद्योगों को विनाश के रास्ते पर धक्का दे दिया। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गर्त के अंदर झोंक दिया और मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही से ये सब निष्पक्ष एजेंसियां कहती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 40 लाख के करीब भारतीय जो हैं वो मौत के शिकार हुए। ये इसलिए हुआ कि मोदी सरकार हर बार जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाने, कोरोना टीकाकरण को लेकर बार बार नीतियां बदलने, कोरोना की रोकथाम के बजाय खुद के महिमा मंडन और रैलियों और चुनावी गोटियों को प्राथमिकता देने, प्रांतों पर दोष मढ़ जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाने, इस प्रकार की आपराधिक लापरवाहियों से देश के लोगों की जान से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने खिलवाड़ किया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डालने चली है। मैं फिर दोहराता हूं, कोरोना की तीसरी आहट की दस्तखत से ठीक पहले मोदी सरकार एक बार फिर देशवासियों की जान खतरे में डाल रही है। और साथियों, आज जवाबदेही मांगने का समय है और इस देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से हम 6 बिंदुओं पर सरकार का स्पष्टीकरण और प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। नंबर 1, देश के 47 करोड़ 95 लाख 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को, 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी?
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे रहा हूं। सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिक की एडल्ट पॉपुलेशन देश में 94 करोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वो शपथ पत्र है जो उन्होंने 22 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये वो है और मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि हम 31 दिसंबर 2021 तक देश के 94 करोड़ 18 साल से अधिक आयु के लोगों को हम दोनों डोज लगा देंगे। और ये जो उन्होंने कहा है साथियों, मैं आप पढ़ लीजिएगा, पैरा 38 और 39 में कहा है, ये पेज 22 और 23 पे आपको मिलेंगे। ये इस प्रकार से उन्होंने बाकायदा कंपनी वाइज डेटा भी दिया था और कहा कि 31 दिसंबर तक सबको लग जाएगा। इसका मतलब 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को दो डोज के हिसाब से 198 करोड़ डोज लगने, 5 ही दिन बचे हैं अब तो। पर मोदी सरकार ने कल यानी 25 दिसंबर को एक डेटा जारी किया, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, पीआईबी का प्रेस रिलीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा है, पीआईबी पे लगा है, हमने वहीं से लिया है, कोई नया कागज नहीं, ये कल उन्होंने जारी किया। इससे चार बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, 36 करोड़ 50 लाख लोगों को जो 18 साल की आयु से बड़े हैं उन्हें मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना का वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया। 36.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज अभी नहीं लगा है। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का 35% है। दूसरा तथ्य, 18 साल से अधिक के एडल्ट पॉपुलेशन में 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी, पर ये उनके आंकड़े, 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। इसी में ये, और ये इस फिगर में शामिल हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनमें से 22,71,000 लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा। यानी अभी भी 36.5 करोड़ जिन्हें एक डोज लगना है सेकेंड डोज, 11 करोड़ 45 लाख जिन्हें दो डोज लगने हैं, ये कुल डोज बनते हैं 59.40 करोड़ या लगभग 60 करोड़ डोज। 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज एडल्ट पॉपुलेशन को लगने अभी बाकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी के कल के आंकड़े बताते हैं। पर साथियों, ये 60 करोड़ वैक्सीन डोज तो उपलब्ध ही नहीं है, लगाएंगे कहां से? ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी मोदी सरकार ने हमें बताया, ये उनका, ये भी उन्होंने कल अपलोड किया है 25 दिसंबर को, ये मैं भेज रहा हूं आपको। इसके मुताबिक, और ये देखिए हेडलाइन में यहां लिखा है कि 17.74 करोड़ डोजेज ही उपलब्ध हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का आंकड़ा है। 18 करोड़ मान लीजिए, चाहिए 60 करोड़ हैं, 18 करोड़, तो भैया वो बाकी के जो बचे 41.5 करोड़ डोज वैक्सीन के, वो कब आएंगे, कहां से आएंगे और कब उपलब्ध करवाएंगे? वैसे भी अगर आप दुनिया की औसत देखें तो सेकेंड डोज लगाने में आज 26 दिसंबर 2021 को भी भारत 19वें पायदान पर है। 21 तारीख को जब 100 करोड़ हुए थे तब भी, याद करिए मैंने बताया था, तब भी हम 19वें नंबर पे थे, आज भी वहीं हैं।
पर मोदी जी ने कल शाम को और आज सुबह ना कोई इसका रास्ता बताया, ना नीति ना दृष्टि। दूसरा पहलू, कल नई घोषणा कर दी और उसमें ये कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स, दूसरे हमारे साथी और 60 साल से जो बड़े हैं, इनको बूस्टर डोज लगेगा, और जो 15 साल से 18 साल के हमारे नौजवान हैं, उनको अब नए सिरे से डोज लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले 18 साल से हमारी मांग रही है पर मोदी जी ने यह स्वीकार नहीं की थी। अब इनकी संख्या देख लीजिए क्या है। देश में यह ताजा डेटा यह कहता है कि देश में 1.79 करोड़ कोरोना वॉरियर्स हैं। देश में एनएसओ की ताजी रिपोर्ट यह बताती है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के 13.80 करोड़ बुजुर्ग हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, एनएसओ की रिपोर्ट बता रही है ताजा। और एक अनुमान के मुताबिक, क्योंकि ये सेग्रीगेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं भी, 15 साल से 18 साल के 10 करोड़ युवा हैं। तो इनकी कुल संख्या साथियों बन जाती है 25.70 करोड़। तो इन 25.70 करोड़ के लिए कल मोदी जी ने घोषणा कर दी। इनको जो वैक्सीन लगने हैं कुल, वो हैं 35.70 करोड़। वो कैसे? 1.79 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को एक डोज बूस्टर शॉट लगेगा। एम आई राइट? जो हमारे बुजुर्ग वार हैं, आई एम प्रेज्यूमिंग कि वो सब वैक्सीनेट हो गए, हालांकि नहीं हुए, पर एक बार मान लीजिए 13.80 करोड़ बुजुर्गों को भी एक डोज लगेगा, तो 1.89 + 13.80 करोड़। और जो 10 करोड़ युवा हैं उन्हें दो डोज लगेंगे, यानी 20 करोड़ डोज। तो ये 25.70 करोड़ लोगों को 35.70 करोड़ वैक्सीन डोज लगने। तो देश में अब कितने वैक्सीन की आवश्यकता हो गई? 18 साल से जो ऊपर है, मैंने उनका डेटा आपको दिया, जो उनको अभी वैक्सीन लगने हैं, वो अभी बचे हुए हैं, वो हैं 59.5 करोड़ या 59.40 करोड़, और इनको लगने हैं 35.70 करोड़। तो हमें कुल वैक्सीन जो चाहिए इमीडिएटली आज, वो 95.10 करोड़ वैक्सीन चाहिए मोदी जी के मुताबिक। और औसत जो है, पिछली बार जब इन्होंने 100 करोड़ के बाद भाषण दिया था, और आज तक की औसत 64 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रहे हैं, 64 लाख। तो अगर ये औसत भी लगाएं तो लगभग 149 दिन चाहिए। और पर भैया, ओमिक्रॉन वायरस तो हमारे दरवाजे पर खड़ा है, और आपके पास वैक्सीन कहां है? आप तो कह रहे हो मेरे पास तो 17.5 करोड़ 17.5 करोड़ वैक्सीन है। मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक आपको 95.10 करोड़ वैक्सीन आज चाहिए दोस्तों। तो मोदी जी ये तो बता दीजिए देश को, घोषणा तो कर दी, वाहवाही भी खूब लूट ली। वाहवाही तो तुगलक ने भी लूट ली थी जब उन्होंने राजधानी बदल दी थी, पर ये वैक्सीन है कहां और कब तक उपलब्ध होंगे? क्योंकि वैक्सीन ये तो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तीसरा पहलू, वैक्सीन कहां से आते हैं? लेट अस सी दैट आल्सो। उसका भी डेटा मोदी जी ने रिलीज किया, हमारा कुछ नहीं। वैक्सीन बनाने वाली दो बड़ी कंपनियां इस समय हिंदुस्तान में हैं अप्रूव्ड, एक सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, एक भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। मोदी जी ने संसद को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो है वो 1 महीने में 11 करोड़ डोज बनाता है। ये हमने नहीं बताया, उन्होंने बताया, मैं आपको पार्लियामेंट का जवाब भेज रहा हूं। दिस इज दैट पार्लियामेंट क्वेश्चन। उन्होंने लिखकर बताया कि भैया वो 11 करोड़ डोज हर महीने बनाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटेक, जब ये जवाब आया उस समय तो बोले कि 2.5 करोड़ बनाता है, पर दिसंबर तक वो 5.80 करोड़ बनाने लगेगा। तो आप 5.80 करोड़ मान लीजिए बनाने लगे हो या ना,
तो आप एक महीने में हिंदुस्तान 16,80,00,000 वैक्सीन डोज बनाता है, हमें चाहिए 95,10,00,000। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव में आपने 10,15,00,000 विदेशों में भी भेज दिए आज तक। ये कल का डेटा है, ये रहा, ये मैंने एमईए की वेबसाइट से निकाला है, आपको मैं भेज रहा हूं। तो आप बाहर भी भेजे जा रहे हैं, आपको 95,00,00,000 चाहिए, आपके पास अभी 17,50,00,000 हैं। आप एक महीने में 16,80,00,000 से ज्यादा बना ही नहीं सकते। विदेश से अभी वैक्सीन आ नहीं रहे, जिनकी उम्मीद थी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कहा था। तो हमारे लोगों को, जिनकी बारे में कल रात को आप घोषणा कर चुके हैं, बुजुर्गों को, 60 साल से बड़े लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, 15 साल से 18 साल के युवाओं को, और जो 18 साल से बड़े जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा, उन्हें कब दोगे, कैसे दोगे और कहां से लाओगे? मोदी जी, तीन बातों का जवाब देश मांगता है। और चौथा पहलू और ज्यादा मैं रुचिकर नहीं कहूंगा, भयानक है। 15 साल से कम के आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाने बारे मोदी सरकार की कोई नीति क्यों नहीं है? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम सब साथियों ने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ पूरी दुनिया की वैक्सीन पॉलिसीज देखी। पूरी दुनिया में 3 साल से 18 साल के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लग रहा है, पहली बात। मिडल ईस्ट कंट्रीज और चाइना में 3 साल ऑनवर्ड्स, 3 साल और 3 साल से बड़े बच्चों और युवाओं को लग रहा है। अमेरिका में 5 साल से 18 साल तक के सब बच्चों युवाओं को लग रहा है, और वहां तो कवरेज भी मुझे बताया कि 30-35% हो गई है। यूरोप में, यहां तक कि अफ्रीका के देशों में, जो हमसे भी कई देश कम डेवलप्ड हैं, वहां भी 12 साल और 12 साल से बड़े सब युवाओं को वैक्सीन लग रहा है। तो हमारे देश में फिर 15 साल से 18 साल क्यों? और अब मोदी जी ने कल अपने ही एफिडेविट को जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसे खारिज कर दिया। ये उन्होंने वो एफिडेविट दिया है, ये दिया था साहब 22 जून 2021 को। ये इसके दो पैराज हैं, मैं आपकी उनकी चार चार लाइन पढ़ देता हूं। उसमें उन्होंने कह रखा है कि ड्रग रेगुलेटर ने तो 12 साल एंड अबव के वैक्सीन को, एक नहीं दो दो वैक्सीन बस अप्रूव हो गए, हम लगा देंगे। तो क्या मोदी जी के शपथ पत्र की कोई कीमत नहीं है? वो अपने शपथ पत्र को कूड़ेदान में फेंक देते हैं फाड़कर। आई विल रीड इट फॉर यू, पैरा 42 एंड 43। इट इज हम्बली सबमिटेड दैट ऑन 12th of May 2021 द ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया हैज परमिटेड भारत बायोटेक टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द हेल्दी वॉलंटियर्स between 2 years and 18 years of age for its vaccine, that is Covaxin, and the enrollment process for this trial has also begun. Aur dusra phir aage kehte hain, it is submitted that Zydus Cadila, which is developing DNA vaccine, has concluded its clinical trial, concluded, for between the age group of 12 to 18 years of age and subject to the statutory permissions, the same may be available. Modi ji, ये आपने 22 जून 2021 को कहा कि कोवैक्सीन 2 साल से ऊपर के बच्चों को क्लिनिकल ट्रायल, यानी आज से 6 महीने पहले है और लगना शुरू हो जाएगा, और Zydus Cadila का वैक्सीन तो अब तैयार है, बस हमें कानूनी इजाजत देनी। पर कल रात को मोदी जी ने कह दिया कि वही 15 साल से हम तो नीचे लगाएंगे नहीं। क्यों दोस्तों, क्या यह सही नहीं कि हमारे देश में स्कूल जाने वाले, नर्सरी पहली कक्षा से लेकर और 8वीं 9वीं कक्षा तक स्कूल जाने वाले करोड़ों करोड़ों बच्चों, युवाओं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके काका ताऊ, जब वो वापस जाएंगे
वो सब अब ओमिक्रॉन वायरस से ग्रस्त होने के पॉसिबल केसेस हैं। हाउ शुड वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल? हाउ मोदी जी, टेल अस, व्हाई हैव यू नॉट फॉर्म्ड ए पॉलिसी? आपकी नीति क्यों नहीं है 15 साल से कम के युवाओं के लिए? और वो भी तब जब आपने सुप्रीम कोर्ट को 22 जून को शपथ पत्र देकर कहा कि हां हम 12 साल से ऊपर तो अभी लगा सकते हैं और 2 साल से ऊपर लगाने के लिए हमारी क्लिनिकल ट्रायल चालू है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोल दिया और देश को भी। धन्यवाद।